असला डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर सेवनटीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द टॉपिक सेवनटीन पॉइंट सिक्स ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू ऑप्टिकल फाइबर सो हम एक डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स और नो डाउट उनके थ्रू डाटा ट्रांसफर हो जाता है इजीली लेकिन अगर आप उस पर एक हाई डाटा रेट इंपोज कर दें एक हाई डाटा उस रेडियो वेव्स के ऊपर इम्पोज कर दें देन इट माइट पॉसिबल कि उस सिग्नल की स्ट्रेंथ वीक हो जाए और वो डाटा आपका एज सच आगे ट्रांसफर ना कर सके और सिमिलरली अगर हम बात करें तो लाइट सिग्नल की स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली रेडियो वेव से और माइक्रोवेव से बहुत ज्यादा होती है कि ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है क्लियर सो दैट्स वाई हम लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपके हायर डाटा रेट को भी ट्रांसमिट कर देता है इजीली और बहुत जल्दी ट्रांसफर कर देता है एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स क्लियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एन ऑप्टिकल फाइबर इज यूज एज अ ट्रांसमिशन चैनल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लास्ट लेक्चर में कि उसमें ट्रांसमिशन चैनल क्या था दैट इज स्पेस ओके आप स्पेस में के थ्रू डाटा ट्रांसमिट कर रहे थे और उस स्पेस में आप कम्युनिकेशन मीडियम कौन से यूज कर रहे हैं दैट इज रेडियो सिमिलरली इसमें हम ट्रांसमिशन मीडियम कौन से यूज कर रहे हैं दैट इज ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली डाटा कौन सी चीज ट्रांसमिट कर रही है दैट इज लाइट सिग्नल्स ओके सो इसमें भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसमें भी आपका जो डाटा है उसको इंपोज कर दिया जाता है एक लाइट सिग्नल पर एंड देन फर्दर उस लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं एन ऑप्टिकल फाइबर जो है ये ग्लास फाइबर के बंडल से मिलकर बना होता है क्लियर जो बहुत ही बारीक होते हैं इवन की उसका साइज जो है वो एक ह्यूमन हेयर के कंपेरेटिव होता है और इस तरह से ग्लास फाइबर्स को मिलाकर एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है एन ऑप्टिकल फाइबर क्वालिटी ग्लास दैट ऑब्सॉर्ब वेरी लिटिल लाइट सो ऑप्टिकल फाइबर कोटिंग ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट क्लियर होगा कि लाइट जो है वो कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट हो रही है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स कि ये एक मटेरियल का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो आपको ये बताता है कि ये लाइट को इतने एंगल पर रिफ्रैक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी क्लियर ओके okay. सो so ये हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर ट्वेल्व में तो so ये कंसेप्ट आप दोबारा से रिपीट कर सकते हैं उन लेक्चर से क्लियर एंड सीमिलरली इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो बहुत लो होता है एंड इज अ थे और ये बहुत ही थिन होते हैं हाई क्वालिटी ग्लास के एंड वेरी लिटिल लाइट जो कि अपने अंदर बहुत लिटिल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं मीन्स के इसमें लॉसेज है वो बहुत कम होते हैं और मेजोरिटी लाइट जो है वो आपके डाटा को ट्रांसमिट कर देती है क्लियर सो फर्दर इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं So, जैसे कि आपको यहां पर डायग्राम में नजर आ रहा है ऑप्टिकल फाइबर इज जस्ट लाइक अ पाइप और अगर हम बात करें तो इस पाइप की जो आउटर साइड होती है इसे कहते हैं क्लैडिंग, जो आउटर साइड है इसे कहते हैं क्लैडिंग, और ये जो इनर साइड होती है इसे कहते हैं कोर क्लियर अब मेन चीज है कि आपने लाइट को इसमें एंटर किस तरह से करवाना है आप लाइट को एक इस एंगल पर इसमें एंटर करवाते हैं कि लाइट जो है उसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो क्लियर अब क्रिटिकल एंगल क्या है यह भी हमने चैप्टर नंबर ट्वेल्व में थॉलोली डिस्कस किया था लेट्स सपोज के यहां पर मैं कहता हूं कि ये एक नॉर्मल लाइन है एंड लेट्स कि यहां पर एक लाइट सोर्स मौजूद है जहां से लाइट एमिट हो रही है अब कुछ लाइट जो स्ट्रेट मूव करेगी तो नो no डाउट वो इस ऑप्टिकल फाइबर से बाहर को मूव कर जाएगी और सिमिलरली कुछ लाइट जो कि इस एंगल पर मूव करिए ये भी इस तरह से रिफ्लेक्ट होकर बाहर को मूव कर जाएगी लेकिन अगर हम बात करें कुछ लाइट जो के स्ट्राइक करेगी जाके सपोज की एक नॉर्मल लाइन है और जैसे ही ये इस सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो स्ट्राइक करते ही इसका यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आपका क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल है तो ये लाइट बिल्कुल 90 डिग्री पर रिफ्रेक्ट हो जाएगी ओके आई होप आपको रिफ्रेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होगा कि रिफ्रैक्ट क्या होता है जिसमें आपकी लाइट जो है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर बेंड हो जाती है क्लियर और समझी जैसे ही आपकी लाइट का इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा जब आपका लाइट का इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तब क्या होगा कि आपकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इस तरह से वो दोबारा से इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वापस आ जाएगी एंड देन सो ऑन इस तरह से वो मूव करती रहेगी क्लियर So, यहां पर एक कंडीशन क्या है कि आपकी लाइट का जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए अगर आपका इंसिडेंस एंगल बड़ा होगा तभी लाइट जो है वो उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इजीली मूव कर सकती है क्लियर और सिमिलरली एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर की ऑप्टिकल फाइबर का एडवांटेज क्या है इट इज यूज फॉर सेंडिंग वेरी हाई डाटा रेट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि लॉन्ग डिस्टेंसिस में जब हम हाई डाटा रेट को ट्रांसमिट करते हैं यूजिंग रेडियो और तो उसमें ऐसा होता है कि डाटा जो है आपका लॉस हो जाता है आपका सिग्नल जो है है वो वीक हो जाता है। क्लियर लेकिन अगर हम ऑप्टिकल फाइबर को यूज करें तो ऑप्टिकल फाइबर में क्योंकि डाटा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है बाय यूजिंग लाइट सिग्नल्स और लाइट सिग्नल जो है वो आपके डाटा को जल्दी ट्रांसमिट कर देता है और इसमें लॉसेस भी बहुत कम होते हैं सो ड्यू टू दिस एडवांटेज वी प्रेफर लाइट वेव्स ओवर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स एंड सिमिलरली मल्टी मोड केबल ईच ऑप्टिकल फाइबर इन अ मल्टी मोड केबल इज अबाउट टाइम्स थिकर देन फाइबर ऑप्टिक्स यूज इन सिंगल मोड एंड ड्यू टू दिस लाइट बीम कैन ट्रेवल थ्रू द कोर ऑफ बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स क्लियर बेसिकली अगर हम बात करें कि एक ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका सिंगल मोड केबल होती है वो सिंगल मोड केबल मीन्स कि उसमें बेसिकली उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है वो जस्ट एक लेयर होती है और अब अगर हम बात करें कि मल्टी मोड केबल्स की तो मल्टी मोड केबल्स हैं बेसिकली वो टेन टाइम्स होती हैं एक सिंगल मोड केबल के ओके सो दैट्स इट इज कॉल्ड अ मल्टी मोड केबल और इसका फायदा ये होता है कि इसमें आपकी जो लाइट है वो डिफरेंट पाथ को फॉलो करती है और उसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि अगर आपकी लाइट लेट्स की light, let's suppose कि इस एक लेयर से रिफ्लेक्ट हो भी जाती है तो यहां पर आगे एक और लेयर मौजूद है देन देन वो वो इसको लग के अगेन इन दैट केस अगर वो फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है फिर एक और लेयर मौजूद होती है देन वो उसको स्ट्राइक करके वो लाइट वापस आ जाती है तो इस तरह से आपके लॉसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं बहुत ही कम होते हैं और सारी के सारी लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर से पास होती है और इस तरह से आप डाटा को इजीली एंड सिक्योर ट्रांसमिट कर सकते हैं क्लियर और ये मल्टी मोड केबल्स नॉर्मली कहां पर इस्तेमाल होती हैं ये नॉर्मली बहुत शॉर्ट डिस्टेंसिस पर इस्तेमाल की जाती हैं लाइक कंप्यूटर की जो वायरिंग होती हैं उनमें भी ये इस्तेमाल की जाती हैं क्योंकि कंप्यूटर के जो कनेक्शन होते हैं उनके जो डिस्टेंस uh, है वो बहुत शॉर्ट होता है दैट्स वाई उसमें ईजिली इनको कनेक्ट किया जा सकता है क्लियर सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज